मैं अभी गया में हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो रोड रूल होता है उनको खिलाफ चलते हैं, बिना हेलमेट के चलते हैं, और दो गो का लोड होता है पर उस पर तीन चार सभी बैठ कर एक साथ चलते हैं। तो उस समस्या को देखते हुए यहाँ पे मेरे साथी गण उसको मुहिम को एक ने लाया है कि लोग को दुर्घटना से बचे और जितना परिवार आते हैं खुशहाल से रहें। जब तक मैं बात करता हूँ, क्या नाम हुआ सर? अविनाश कुमार सिंह है, मैं राष्ट्रीय सहायक निदेशक हूँ एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का। और देखिए, जिस तरह से हादसाओं की कतार बढ़ती जा रही है, दुर्घटनाओं का फहरिस्त लंबा होता जा रहा है, उसको थमने के लिए, उसको रोकने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी कड़ी में आज गया में यातायात पुलिस के साथ एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने एक प्रोसेशन निकाला, जागरूकता अभियान निकाला, और उसी कड़ी में हम लोग अभी पूरे क्षेत्र में घूमेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय निदेशक ब्रजेश कुमार यहाँ पे है, बोधगया फिजिकल एकेडमी भी एसोसिएटेड हम लोग के साथ है, और पत्रकार बंधु यहाँ पे आए हैं। धन्यवाद सर। इसमें जो नियम लाए हैं, कौन कौन सा लोगों का नियम का ध्यान देना होगा? हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, शराब पीकर गाड़ी मत चलाइए, ट्रिपल लोड मत चलिए, या तो चार चार लोग भी चलते हैं बेवजह उस बहुत तेजी के साथ गाड़ी का चालन मत कीजिए। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए तो आप घर से निकलते हो तो पुनः घर पे पहुंचेंगे। बाकी आप हमारे सर से इसके बारे में जी सर अभी कुछ बताइए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि ये सोचते हैं कि जो होगा से मेरा होगा, अगला के किया जाता है, बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं। उनके सोचने से देखिए, एक व्यक्ति पर कभी कभी पूरा परिवार निर्भर करता है। अगर एक व्यक्ति बिना हेलमेट के चल रहे हैं और उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो उस व्यक्ति से उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ होता है। उनकी पत्नी हैं, बच्चे हैं, बेटी हैं, भाई हैं, किसी किसी एक व्यक्ति पर पूरा परिवार निर्भर रहता है। तो उनकी एक गलती का सजा पूरा परिवार भुगतता है। तो आज ACIB और ट्रैफिक पुलिस गया के सहयोग से हम लोगों ने यह जागरूकता कार्यक्रम निकाला है। और इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले हम लोग गया जिला के जो ट्रैफिक DSP साहब हैं, मलिक साहब, हम उनका दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि उनके प्रयास से, उनके सहयोग से अब हम लोगों ने इसको बहुत सफलतापूर्वक आज कार्यक्रम को सम्पन्न किया। जी, तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि कितना तमाम लोग, एक बाबा है तो मैं इनसे बात करता हूँ। बाबा, ऐसा आप बताइए कि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि नियम को पालन नहीं करते हुए अपना हीरोगिरी दिखाते हैं। भगवान, हम तो यही कहेंगे उन सब तमाम लोगों से जो चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, फोर व्हीलर से चले, टू व्हीलर से चले, पैदल चले, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। भगवान, ये अमोल ज़िंदगी है, अगर इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, यातायात के नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित घर से निकले हैं, सुरक्षित घर तक पहुंचिए, क्योंकि लोग आपका इंतज़ार कर रहा है। जी, आप भी सुनने को आपको भी मिलना होगा कि जब हम रोड पर चलते हैं तो जो होगा से मेरा होगा, अगला को क्या जाता है। भगवान, ये अगला को ही आपका ही होगा, परंतु इसके पीछे आपके घर वाले लोग परेशान हो जाएंगे, आपके पीछे आपका पूरा परिवार भरा पड़ा है, वो परिवार दुखी होगा, परिवार परेशान होगा। अपनी परेशानी दूसरों पर मत डालें, सुरक्षित चलें और वाहन के पास सावधानी पूर्वक चलें।